तो ज्यादातर मुझे जो नॉलेज मिला है गल्फ कंट्रीज के बारे में जॉब से रिलेटेड कि किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोजीशन आता होगा, इलेक्ट्रिकल क्यूसी का पोजीशन आता होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग फ्रेशर हैं या अभी अपना करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अपना करियर जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, और खास करके गल्फ कंट्रीज में, तो गल्फ कंट्रीज में कौन सा पोजीशन पे जाए। अब आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर लिया या सिंपल ग्रेजुएट आपने हो गया, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बीएससी या बीए या कॉमर्स कुछ भी आपने कर लिया, और इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, कंप्यूटर साइंस से, तो कौन सा कोर्स करें, किसमें, मतलब कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे हम गल्फ कंट्रीज में जाएं। तो मैं तो वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियोस देख करके उसका बेनिफिट उठा रहे होंगे या उठा लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरा वीडियोस मेरा देख नहीं पाते हैं और उनको समझ में नहीं आ पाता है कि गल्फ कंट्रीज में कैसे जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं और आप अगर फ्रेशर हैं तो कैसे जाना चाहिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और बहुत सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। और देखिए, मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि आपको बोल सकता हूं कि ऐसा करो ये जॉब मिल जाएगा, वैसा करो वो जॉब मिल जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सही बात है वही मैं बताता हूं, ज्यादा एडवांस बात बता करके कि ऐसे करोगे तो ये जॉब मिलेगा, वैसे कर लो वो मिल जाएगा, जो सही चीजें हैं मैं बताता हूं, मुझे फालतू का बात बता करके आपको मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है और मैं आपका नुकसान करना नहीं चाहता हूं। और आज मैं जो बात करने वाला हूं, ये बात करने वाला हूं कि अगर आप गल्फ कंट्रीज में आना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका एक मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपने इंजीनियरिंग या कोई भी एजुकेशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, यानी अपना किस पोजीशन पे जाना चाहिए, कौन सा काम में जाना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है कि आपको गल्फ कंट्रीज का जो वैकेंसीज आते हैं ना, वो आपको चेक करना है रेगुलरली। आप, मैं एक वीडियो बनाया हूं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूं, और उस लिंक को जाकर के आप देख लीजिएगा, उसमें मतलब कैसे आपको गल्फ का रिक्वायरमेंट चेक करना है, उसमें मैं बताया हूं कि लिंक्डइन पे जाकर के और वहां पे कैसे ऑफिस को के जो जो अच्छे अच्छे कंसल्टेंसी है उसके बारे में पता करके और उसके पेज को फॉलो कर लेना है, वहां पे सारे रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, यानी डेली वो लोग या जब भी रिक्वायरमेंट्स कोई भी आता है तो वो लोग अपडेट करते हैं। अब वहां पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स आते रहेंगे ना, तो उसमें आप देखिए कि आपसे रिलेटेड कौन सा उसमें रिक्वायरमेंट आ रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल का आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कितना कौन कौन सा पोजीशन के लिए आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोजीशन आता होगा, इलेक्ट्रिकल क्यूसी का पोजीशन आता होगा, ऐसे ही रिलेटेड। अब मैकेनिकल में अगर आप हैं तो मैकेनिकल में आपको पता नहीं चल पाता है कि मुझे किस में जाना चाहिए, तो आप देखिए कि उसमें एचवीएसी सुपरवाइजर का आता होगा, एचवीएसी इंजीनियर का आता होगा, ऑयल एंड गैस में प्लानिंग इंजीनियर का आता होगा, आपका मेंटेनेंस इंजीनियर का आता होगा, क्यूसी इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग क्यूसी, सिविल में जाएंगे तो सिविल क्यूसी का, सिविल इंजीनियर का, सिविल सुपरवाइजर का, ऐसे ही करके जैसे रोड लाइन का भी रिक्वायरमेंट आता है। तो आपको इसमें क्या देखना है, और एक चीज मैं तो पहले भी बताया था कि गल्फ में जैसे सैलरी जो है, जो स्टाफ का, लगभग हर स्टाफ का सैलरी ठीक ठाक होता है, यानी लाख रुपए तो लोग अर्न करते हैं। अब इसमें क्या है, आपको सेलेक्ट करना है किसमें जॉब ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट आता है, तो आप उसमें कीजिए, या एवरेज जो ठीक ठाक रिक्वायरमेंट आता है, अगर हो सकता है उसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट बने तो आप उसमें ट्राई कीजिए। अब आपको क्या देखना है कि रिक्वायरमेंट रेगुलरली चेक करना है। अब इसमें आपको डेली आप देख रहे हैं कि इस चीज का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी गल्फ में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आप एकदम सिंपल है, उसके बारे में पता कीजिए कि मतलब इस चीज का रिक्वायरमेंट अगर गल्फ में आ रहा है तो इसका कोई कोर्स करना पड़ेगा क्या, इसका कौन सा फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज आप इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट करना शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आपको उसके बारे में आप पता करना शुरू कीजिए, और फिर आप
उसमें जाने की कोशिश कीजिए, इंडिया में ही उस लाइन में आप घुसने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आपको रोड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और रोड का ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इंडिया में कहीं रोड लाइन का कहीं जॉब मिले तो आप कीजिए, नहीं तो रोड के बारे में जैसे बिल्डिंग का भी आप काम करते रहिए, रोड के बारे में भी इंटरनेट से नॉलेज लीजिए। और कभी इंटरव्यू आता है तो रोड का सब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाता है, प्रैक्टिकल आप बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली रिलेट करके और जैसे कभी इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आप उसमें पास हो जाएंगे। तो आपको ऐसे करना है, सबसे जो आपका प्रायोरिटी क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट रेगुलरली चेक करना है, यही आपका समझिए कि 50-60% 70% आपका मसला यहीं पे हल हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है। आप 50 आदमी से पूछेंगे किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है, वो आपको क्या बताएगा, उसको जो चीज का नॉलेज है वही बताएगा। मैं क्या बता सकता हूं, मेरे को जितना नॉलेज जैसे मैकेनिकल के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल है। बाकी जैसे मैं सिविल वालों से मिलता हूं, तो सिविल वालों से मिलता हूं तो उनके बारे में जैसे जानता हूं, या जब मैं मुंबई में रहा था तो पेपर में जो रिक्वायरमेंट्स आते थे तो मैं उसमें देखता था कि सिविल वालों का ये रिक्वायरमेंट आता था। तो ज्यादातर मुझे जो नॉलेज मिला है गल्फ कंट्रीज के बारे में जॉब से रिलेटेड कि किसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो मुझे पेपर से मिला है। पेपर से बोलिए या जो लिंक्डइन पे, सेम वही पेपर का कटिंग लिंक्डइन पे भी डाला होता है, और पेपर का कटिंग नहीं होता है तो वो लोग अपना अलग से टाइप करके वो रिक्वायरमेंट डाले होते हैं। तो आपको यही चीज करना है कि रिक्वायरमेंट रेगुलरली चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है। मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, इससे आपका जो मसला है ना एकदम 95% सॉल्व हो जाएगा। और वहां से आप पता कीजिए, अब आसान है ना, जब ये चीज आपको पता चल गया कि ये काम का रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा है, तो आप उसमें अगर आप सोचेंगे कि चलो इसमें तो जॉब का वैकेंसी ज्यादा आ रहा है तो इसका डिमांड ज्यादा है, और सैलरी तो ठीक ठाक सब में होता है, आप ये मत सोचिए इसमें ज्यादा है उसमें कम है। हो सकता है जिसमें ज्यादा कोई बताए और जिसमें कम बताए, तो कम वाले का अगर कोई कंपनी अच्छी मिल गई, जो कम वाला जो बता रहा है कि इसमें सैलरी कम मिलता है, लेकिन स्टाफ का सब में अच्छा सैलरी मिलता है, बस डिपेंड करता है आपको कंपनी को कब अच्छी मिलती है। कंपनी अच्छी मिल गई, अगर आप पाइपिंग इंजीनियर हैं तो आपका बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, और QC का कोई बोलता है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत अच्छा सैलरी है, और आप QC में जाते हैं पता चला आपका 1 लाख सैलरी है, और पाइपिंग इंजीनियर का पता चला 3 लाख सैलरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ये वाला मतलब ज्यादा सैलरी है, ये वाला कम है। स्टाफ का सबका अच्छा सैलरी ठीक ठाक होता है, बस आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा आ रहा है, ये दो चीज देखना है। किसी का रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है लेकिन उसका अगर सैलरी सॉरी जो इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप उसमें कर लीजिए, और किसी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है, आपको लगता है कि चलो इस फील्ड में चलते हैं, आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है तो उसमें जाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे बेहतर है कि आप ये सब देखा कीजिए। अब पेपर में आप देखेंगे तो उसमें जैसे सेफ्टी ऑफिसर का आता होगा, तो सेफ्टी ऑफिसर के बारे में आप पता करेंगे कि क्या कोर्स करना चाहिए, यानी सेफ्टी के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पता चलेगा इसमें क्वालिफिकेशन 10th भी चाहिए, 12th भी रहेगा, प्लस ये वाला कोर्स रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब वैसे ही स्टोर कीपर का क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर ऑफिस वाले के नंबर पे फोन करके पूछिए कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी मेंशन किया होता है, और प्लस क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो ये भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं तो फोन करके नहीं पूछेंगे, अगर आप मुंबई में है तो डायरेक्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे जा करके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो फोन करके पूछने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका मसला सॉल्व होते जाएगा और आप उस फील्ड में जाने की उस पोजीशन पे जाने के लिए अपना खुद का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही करना पड़ता है, जैसे मेरा भी था, ऐसे ही पता करते रहना और बाकी पेपर में रिक्वायरमेंट चेक करते रहना, तो उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ता है कभी कभी। क्योंकि हम लोग जब मैकेनिकल से जब आप हमने बीटेक किया, आपने अगर सिविल से किया होगा, क्या आपको पता था, ऐसे पता था कि घर बन रहा है, आपको ये पता होगा कि ये घर का डिजाइन बहुत अच्छा दिख रहा है तो मुझे सिविल इंजीनियर बनना था। पता चलता है सिविल में जाने के बाद घर का वो डिजाइन आप खाली, वो तो आर्किटेक्चर का काम है, बाकी उसका डिजाइन करना वो डिजाइन इंजीनियर का काम है, उसका जो बाकी जैसे रोड का काम करना वो भी सिविल इंजीनियर करता है, सर्वेयर का काम है वो उसमें भी सिविल वाला जा सकता है। तो बाद में इतना सारा अलग अलग आपका डिपार्टमेंट बट जाता है कि पता चलता है कि हम लोग शुरू में सोचते थे कि ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, जब आप एडमिशन ले लिए शुरू में आप मशीन देख करके आपको दिमाग में आ गया कि मुझे मैकेनिकल से जाना है, मतलब मुझे मशीन में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, पता चला कि मैकेनिकल से करके मशीन को छोड़ करके हम जा करके काम क्या कर रहे हैं,
पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, तो पाइपलाइन जिसका पाइपलाइन में एक्सपीरियंस हो रहा है उसको किधर मशीन के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो ऐसा ही है हर चीज में, शुरू में लगता है कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, जब आप उसमें घुसेंगे तो पता चलता है कि सही में वो हम जो सोचे थे इससे तो बहुत एडवांस है, या उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जब आप घुस गए तो थोड़ी आप घुसने के बाद हटना बहुत मुश्किल होता है। ये तो कुछ लोग करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, तो ये भी एक स्टेप सबके लिए नहीं है ना। तो यही है कि आप पहले अपना एक्सपीरियंस करते रहिए, यानी जॉब करते रहिए और साथ में रिक्वायरमेंट चेक करते रहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि इससे आपका 95% मसला सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा दूसरे लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको रिक्वायरमेंट चेक करके ही, उसमें देख करके ही आपको पता चलेगा कि जिसका रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तब आप पता कीजिए कि इसके लिए, इसको करने के लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ से कोर्स करें, कितना एक्सपीरियंस चाहिए कोर्स करने के लिए। और फिर आप एक्सपीरियंस लेते रहिए, वो कोर्स करते रहिए और फिर आप जॉब ढूंढते रहिए, मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।